अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। पनामा केस सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर अब सुनवाई जारी है। आज सबसे अहम दिन था। मरियम नवाज शरीफ और उनके शोहर कैप्टन सफदर और इसहाक डार साहब के वकील एडवोकेट शाहिद हामिद ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और शाहिद हामिद ने आज के दलाइल में बहुत से पहलुओं पर मुख्तसरन इब्तदाई दलाइल दिए, मगर कल से वो तफसीली दलाइल देंगे। आज की समाअत की सबसे अहम बात मरियम नवाज शरीफ का एक बयान है, एक वो बयान जो एक सादा कागज़ पे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, मगर एक बयान जो कि एक सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन के साथ दिया गया, जिसमें कुछ पस मंज़र बताया गया उस ट्रस्ट डीड का जो कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मरियम जो है लंदन फ्लैट्स की प्रॉपर्टी की बेनिफिशियल ओनर थी। उस ट्रस्ट डीड के तहत उसका कुछ पस मंज़र, कुछ घरेलू कहानी, कुछ हकायक सामने आए हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। पहले मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर मसरूर शाह, जो कि एक माहिर कानून हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सदाकत अब्बासी, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ आपके जाने पहचाने किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर ए वहीद मुराद, सीनियर सहाफ़ी हैं और न्यूज़ वन टेलीविज़न के लिए काम करते हैं। हमें कुछ देर में हुक्मरान जमात के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जान अचक से भी हमें ज्वाइन करेंगे, मगर बात शुरू करते हैं मरियम नवाज़ के उस चौथे तहरीरी बयान की, जिसमें कुछ नए इंकशाफात भी हुए हैं। इसका पस मंज़र ये है कि एक ट्रस्ट डीड थी जिसके तहत मरियम नवाज शरीफ को बेनिफिशियल ओनर दिखाया जा रहा था, जो कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दस्तावेज़ रखी गई, मगर आज मरियम नवाज ने जो तहरीरी बयान दिया है उन्होंने कुछ ये इंकशाफात किए हैं, वो आपको हम पढ़ के बता देते हैं। आज के मरियम नवाज के एक बयान में कहा गया है कि हुसैन नवाज ने मरियम को लंदन जायदाद का अमीन बनाया। उसका पस मंज़र ये था कि 2005 में हुसैन नवाज ने बताया कि कतर की अस्सानी ख़ानदान नेल्सन और नेल्सन के हिस्स मुझे मुंतकिल कर रहा है, यानी हुसैन नवाज को मुंतकिल कर रहा है, और ये बात हुसैन नवाज ने मरियम को बताई। फिर मरियम आगे जाके कहती हैं, हुसैन नवाज ने यह भी बताया कि वो मिनर्वा फाइनेंशियल सर्विस से इस जायदाद की देखभाल के सिलसिले में रबते में है। हुसैन नवाज लंदन फ्लैट से मुतालिक मुझे अमीन बनाना चाहता था ताकि उसकी वफात की सूरत में उसकी दो बीवियों और उनके 7 बच्चों में जायदाद की शरई तकसीम की जा सके। फिर हुसैन ने बताया कि उसकी ज़िंदगी में मुझ पर कोई जिम्मेदारी ना आयद होगी, वो खुद तमाम मामलात संभालेगा। मैंने यानी मरियम ने भाई के कहने पर मिनर्वा सर्विसेज को बैंक का हवाला जाती खत फराहम किया, और फिर मैंने यानी मरियम नवाज ने कभी भी मिनर्वा कंपनी के दफ्तर का दौरा नहीं किया और ना ही वहाँ से किसी से मुलाकात की। मिनर्वा के साथ तमाम मुलाकातें और मामलात हुसैन नवाज ने खुद ही तय किए। तो जो ट्रस्ट डीड के ऊपर मरियम को बेनिफिशरी ओनर होने का कहा जा रहा था, जिस बुनियाद पे उसकी वजाहत मरियम ने ये की कि ये ट्रस्ट डीड 2005 की, जिसके मुताबिक मरियम नवाज महज अमीन थी उस जायदाद की, कि अगर हुसैन नवाज जो हैं वो अगर वफात पा जाते उनकी फोतकी की सूरत में, मरियम नवाज जो हैं हुसैन नवाज की 2 बीवियों और 7 बच्चों के दरमियान शरई एतवार से जो है जायदाद की तकसीम करें। और इन 2 बीवियों के हवाले से भी बयान में कहा गया है कि ये दोनों जो बीवियां हैं इनकी जो शहरियत है वो 2 मुख्तलिफ ममालिक से है, अभी उसकी तफसील तो सामने नहीं आई। तो ये एक अहम बयान था, और आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जान अचकज़ई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से। सबसे पहले तो वहीद मुराद, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में भी रहे और फिर आपने तफसीलन उसको अपने ब्लॉग में भी जिक्र किया है, ये जो बयान मरियम नवाज ने दिया है कि ट्रस्ट डीड का पस मंज़र ये है कि हुसैन नवाज की 2 बीवियाँ थी और 1 से 4 बच्चे और 1 से 3 बच्चे, ये इंफॉर्मेशन तो कुछ नई सी इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है और जो हमारा मुआशरा है
उसके हवाले से अगर देखा जाए तो मरियम नवाज़ की ये बात तो कुछ समझ आती है कि उनको क्यों अमीन बनाया गया, क्योंकि किसी भी हादसे की सूरत में फिर जो दो बीवियों वाले ख़ानदान होते हैं, जहाँ पे भी दो बीवियाँ होती हैं वहाँ पे काफ़ी मसाइल भी पैदा होते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को आप कितना अहम समझते हैं? जी, ये इंफॉर्मेशन इसलिए अहम है कि ये पहली बार आई है और आज ही उनके वकील ने बराह रास्त अदालत से गुफ्तगू करना शुरू की, अपने दलाइल का आगाज़ किया है शाहिद हामिद ने। आज ही पहली बार आई है। इससे पहले जब इस केस की समाअत हुई थी और जब अकरम शेख उनके वकील थे, उस वक्त उन्होंने अदालत को बता तो दिया था कि हुसैन नवाज़ और मरियम के दरमियान जो ट्रस्ट डीड हुई है उसकी वजह ये है उस ट्रस्ट डीड की कि वो ये चाहते हैं कि जो उसकी बेनिफिशियल ओनर तो वो नहीं होंगी, लेकिन उनकी जायदाद की बाद में वरासत में तकसीम में वो उनकी मावनत करेंगी। लेकिन उस वक्त शायद किसी को इतनी डिटेल में इतनी तफसील के साथ ये बात समझ नहीं आई थी। आज जिस तरह का ये 6 सफ़े का जवाब या एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई है, जमा कराई गई है शाहिद हामिद की जानब से, और जिस पर तहरीक इंसाफ़ ने एतराज़ भी किया कि ये हमारे दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये जमा करवाई गई है, तो उसमें ये तफसील से ये चीज़ लिखी गई है कि क्यों उन्होंने ये ट्रस्ट डीड बनाई। यानी हुसैन नवाज़ मरियम ये कह रही कि हुसैन नवाज़ ने मुझे ये कन्वे किया कि सानी ख़ानदान जो है वो फ्लैट्स की मलकियत हमारे मेरे हवाले कर रहा है, और ये लेट उन्होंने कहा है कि 2005 की बात थी, और 2006 में जब ये मुंतकिल हो गए उनको ये फ्लैट्स लंदन वाले, तो उसके बाद हुसैन बहुत कंसर्न था अपनी फैमिली के हवाले से, क्योंकि उनकी दो शादियाँ हैं और उनके दोनों बीवियाँ गैर मुल्की हैं और उनके 7 बच्चे भी हैं, तो वो चाहते थे कि मेरी जायदाद जो है वो वरासत जो है शरी इस्लामी शरीयत के मुताबिक ये बाद में तय की जाए, मेरे बच्चों में तकसीम की जाए, तो उनको ये खदशा था जो इसमें लिखा गया है, तो इसलिए उन्होंने मरियम के साथ ये ट्रस्ट डीड की। वहाँ से ये सारे मामलात उठे, वहीं से मिनर्वा सर्विसेज और फाइनेंशियल जो हैं और कुंबर ग्रुप का भी आज इसमें जिक्र आया, तो ये जो पेचीदा चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं कि इसके पीछे क्या है। अच्छा, ये ट्रस्ट डीड के हवाले से एक सवाल ये भी उठा कि क्या वो ट्रस्ट डीड जो है क्या वो एक कानूनी दस्तावेज़ है, क्या वो रजिस्टर्ड एक ट्रस्ट डीड थी, तो उस हवाले से आज के शायद हामिद साहब ने भी कोई दलाइल दी है इस हवाले से ट्रस्ट डीड के बैकग्राउंड। इस हवाले से जस्टिस एजाज अफजल ने उनसे पूछा कि क्या आप हमें बताएंगे कि जो ट्रस्ट डीड है ये कानूनी इसकी हैसियत क्या है, बरतानवी कानून जो है क्या ये उसके मुताबिक बनाएगी, क्या इस पर आप हमारी मुआवनत करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुआवनत करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये बरतानवी कानून के मुताबिक बनाई गई। लेकिन दूसरी जानब उनका ये भी कहना है कि चूंकि ये बहन और भाई के दरमियान ट्रस्ट डीड है और इसमें कोई वो उसको मुंतकिल नहीं होना कुछ भी चीज़ जायदाद, सिर्फ उसने ये है कि जब उसकी वफात के बाद उसने उसको तकसीम करना है उसके ख़ानदान में, इसलिए इसकी कोई ऐसी ये नहीं है कि इसको रजिस्टर्ड किया जाए। ठीक है सदाकत बासी साहब, आप नए कुछ इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं और आज के जो अदालत में इंफॉर्मेशन रखी गई उस पर आपके एक वकील फैसल चौधरी साहब ने एतराज़ भी किया कि ये मालूमात हमें पहले नहीं दी गई, नईम बुखारी साहब के दलाल से पहले ये मालूमात नहीं दी गई थी, तो कितनी अहम है ये मालूमात आपके ख्याल में और क्या इससे आपके किसी कानूनी पोजीशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए माती साहब, ये जो ट्रस्ट डीड की बात आपने पूरी स्टोरी बताई वहीद साहब ने और वो आपने जिसका जिक्र किया, तो वो ट्रस्ट डीड हमारी पोजीशन ये है कि ये ट्रस्ट डीड पहली तो बात है रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरी बात है इसका जो हमारा केस है उससे कोई एज सच डायरेक्ट लिंक नहीं है। हमारा केस ये है, हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ 90s से इनके पास हैं और कंटिन्यूड इनके पास हैं, नीलसन और नेस्कॉल के पास हैं, और उनकी कोई ओनरशिप चेंज नहीं हुई और कंपनी इनकी मलकियत है, और हमारा ये ख्याल है कि मरियम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की चूँकि वो डिपेंडेंट हैं, लिहाजा ये कंपनीज उनकी हैं और उनके नाम पर हैं। उस हवाले से ट्रस्ट डीड से मैं ये बेनिफिशियल ओनर आपका ये केस नहीं है कि ये बेनिफिशियल ओनर हैं उन लंदन फ्लैट्स की? नहीं, हम ट्रस्ट डीड के मुताबिक जो आप जिस ट्रस्ट डीड पे ट्रस्ट डीड जो है वो तो ट्रस्टी उनको जाहिर करती है कि वो अमीन है, ठीक है, भाई की प्रॉपर्टी की। ओनर वाली बात अब आप नहीं कर, हम नहीं हम ट्रस्ट डीड की को नहीं मान रहे, हम कहते हैं कि ये इसकी मालकिन है। ये ट्रस्ट डीड का ऐसे ही बाद में एक दिखलावा किया गया 2005-06 के बाद, ठीक है। हमारा केस ये है और उनका केस है कि 2006 में उनको ये कतरी शहजादे ने उनको दिए, हमारा केस है कि ये उससे पहले है, लिहाजा बहन और भाई के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसका हमारे केस से कायसे ताल्लुक ही कोई नहीं है। हमारा केस ICIJ के उस रिपोर्ट पे है जो कल फिर जर्मन अखबारों में भी वो सारे फैक्ट्स आ गए कि मरियम उसकी ओनर हैं, उसके मरियम साहिबा के जो जाती बैंक डिटेल्स हैं उन वो उसमें दी हुई हैं, उनके जाती जितनी इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ उसी बंदे के बारे में होती है जो बंदा मालिक होता है। सदाकत साहब, ये BBC में भी आ गया, जर्मन अखबार में भी आ गया,
लेकिन ये बीबीसी और जर्मन अखबार वाले दस्तावेजात तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग क्यों नहीं पेश कर रहे पिछले कई दिनों से? ये सारे कागजात सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, पहले से हुए हैं जी। ये इसका मतलब जर्मन अखबार और बीबीसी ने कोई नई बात नहीं? नहीं नहीं, जरा प्लीज मैं बात पूरी कर लूं। जर्मन अखबार, इन्होंने पहले तो बीबीसी का एतराज किया कि जी बीबीसी ने अपनी स्टोरी वापस ली, एपीपी ने न्यूज दी, लेकिन और अतर काजमी के बारे में बीबीसी ने दोबारा कन्फर्म किया। एक और अखबार का मैं वो लगाने का मतलब ये है कि वो अखबार उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है आम लोगों के लिए। ऑथेंटिकेट और तो कर रहा है। आप क्या समझे हैं इन खबरों से? वो सुप्रीम कोर्ट क्या इन खबरों से हम ये समझे हैं कि मरियम इन सारी प्रॉपर्टीज की मालकिन है। मरियम चूंकि वो खुद उनके पास इनकम सोर्स कोई नहीं है तो मियां नवाज शरीफ साहब मालिक हैं। लेकिन आपने खुद क्या सुप्रीम कोर्ट में पहले से मौजूद थी ये सारी दस्तावेज़ तो फिर आप भी इन खबरों से क्या फर्क पड़ता है? ये एक उसको दोबारा से ऑथेंटिकेट हो रहा है। अच्छा, और दो डॉक्यूमेंट उसमें नए भी आए, जो डॉक्यूमेंट में मरियम के साइन शुदा जिस बैंक ने सांबा बैंक का डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मरियम साहिबा की जो जाती इंफॉर्मेशन है जो मालकिन की होती है, बैंक डिटेल्स भी उसमें मेंशन हुई है। ये डॉक्यूमेंट कल की जर्मन अखबार उसके ऊपर भी बात करते हैं। वैसे मसरूर साहब, कितनी अहम है ये? एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जाहिर बात है कि उसने हसैन नवाज साहब की दो बीवियां हैं, चार बच्चे एक से हैं, तीन बच्चे दूसरे से हैं, और उनकी फोतकी की सूरत में जायदाद की तकसीम के हवाले से मरियम को ये अख्तियार जो है दिया जाना था। तो कानूनी एतबार से और हमारे माशरती एतबार से ये कितनी मामूल की बात है कि आप किसी को अमीन बनाएं अपनी जायदाद का, कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों में आप तकसीम कर दें? ये कितना एक गैर मामूली है में तो फिर भी शायद इतना ना हो, लेकिन जो ब्रिटिश माशरा है, जो कानून है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का बिल्कुल एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। बल्कि जब इनके साबिक ससुर इमरान खान साहब के फौत हुए थे तो उनकी जायदाद इमरान खान साहब उसके एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, जो अभी मरियम साहिबा पे वो कह रहे हैं कि वो बनी है, और उनके भाइयों में और बहनों में जायदाद और बाकी जो वर्सा थे उसमें इमरान खान ने ब्रिटिश कानून के तहत तकसीम की। वो भी कोई ट्रस्ट डीड हुई थी? वो डेफिनेटली हुई होगी, उसके बगैर तो कर नहीं सकते वो। ठीक है, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ऑफ द डिसीज्ड की प्रॉपर्टी, वो उनके पास वेस्ट होती है और उसमें बिल्कुल खाली ये इख्तियार नहीं होता कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसकी अगर कोई कर्ज है या कोई लाइबिलिटी है तो वो सू भी हो सकता है, वो डिसीज्ड के कोई लाइबिलिटी हो तो वो रिकवर भी कर सकता है, मतलब वो उसके शूज में स्टेप इन कर जाता है वो। ठीक है, तो इख्तियार खाली डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं रहता, उससे ज्यादा ज्यादा। तो ये कितना ब्रिटिश कानून के तहत कितना अहम है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हुसैन नवाज साहब की दो शादियां उन्होंने की और सात बच्चे हैं, तो ये आप समझते हैं कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस और सात बच्चों का मेरे ख्याल में पनामा लीक से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस नहीं है? नहीं, उसका ये है कि ये देखिए, अब सवाल ये नहीं है कि उनकी दो शादियां। अच्छा, ये भी है कि उनकी दो गैर मुल्की, मतलब कि उनकी गैर मुल्की शहरियत की, वो चार शादियां करें उससे पनामा केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके 8-16 बच्चों से क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि इन्होंने ये साबित करना है कोर्ट में कि क्या 2006 से पहले 90s की जो बात कर रहे हैं उसमें कोई कंक्रीट एविडेंस लेके आए। अगेन अखबारी तराशे, अखबार की रिपोर्ट, वो भी एक फॉरेन रिपोर्ट के जो आके, जो इतराज़ इनका कतरी शहजादे के ख़त के ऊपर है वो भी बिल्कुल डाउटफुल है, क्योंकि वो भी एक बस ख़त ही किस्म है, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं तसव्वुर किया जा सकता। करता है ना कि ये जो वही प्रिंसिपल इनके एविडेंस के ऊपर भी आ रहा है। इस केस को बड़ा डिटेल से मैंने स्टडी किया है, देख भी रहा हूँ। इस पे पंजाबी का वो एक मिसरा है कि कुछ शहर में लोग भी पागल से, कुछ शानू मरंदर शोक भी सी, कुछ पन इनका केस भी सही नहीं है, नून के केस में भी गैप्स हैं, दोनों तरफ जो है ना, जिस तरह कोर्ट ने भी कहा कि सच्चाई दोनों तरफ छुपा रहे हैं, सबूत दोनों के पास नहीं। चलें, ठीक, जानते हैं जैसे साहब, ये ऐसा ऐसा बड़ी दिलचस्प मालूमात सामने आ रही है। बैरिस्टर साहब ने तो कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चार शादियां भी कर सकते हैं, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि ये जानना ज़रूरी है कि अगर उनकी शादी हुई है ऐसे किसी बड़े रॉयल फैमिली में तो हो सकता है वो एक, क्या इस बात का कोई, आप इस पे कोई रोशनी डालना चाहेंगे कोई या बाद में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर? देखिए, जो इसका बैकग्राउंड है वो ये कि ट्रस्टी क्यों अपॉइंट किया जाता है, इसकी रीज़न क्या थी, इसलिए बैकग्राउंड दिया मरियम नवाज साहिबा ने अपने बयान में कि इन सरकमस्टांसिस की वजह से उन्हें ये वेस्ट किया गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्हें एक रीज़न दिया है। ठीक है, अब वो लिजिटमेट रीज़न है, इस पर और स्पेकुलेशन करना मुनासिब नहीं है। जहाँ पे बेयरिंग है वो ये कि
ट्रस्ट दी वो इसलिए है कि शायद ये इश्यू एक टाइम पे आया उनकी मतलब एक एक कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए. लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ वो ये, जब इमरान खान साहब 9 महीने से यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ऑनर है, बेनिफिशियल ऑनर है, वो मालिक है, वो ऑनर है, इनके केस में कोई प्री है ही नहीं, कोई प्रे है ही नहीं, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया. और आज ये स्टार्टिंग डिस्क्लोजर हुआ है कि ये टॉक शो में तो कहते रहते हैं लेकिन आपने पिटीशन में वो डाला ही नहीं, तो या उधर ही झूठ बोल रहे हैं या 9 महीने से कौम को मतलब. मगर वो एक लेटर का हवाला देते ना, फोनसेका जो कंपनी है इनकी, मोसेक फोनसेका, उनका एक खत का हवाला दिया जा रहा है जो उन्होंने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लिखा, पिटीशन में जिसमें कहा गया कि मरियम नवाज जो है वो बेनिफिशियल ओनर है. ठीक है, पिटीशन में उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, कोई इल्जाम नहीं लगाया. ये तो अगर आप पिटीशनर है तो आपने जब आप सुबह शाम जलसों में कह रहे हैं, अदालत के बाहर अदालत लगा के कह रहे हैं, साक्ष्यों में कह रहे हैं, और वहां के पिटीशन में कुछ है ही नहीं मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, तो फिर आपका केस तो खत्म हो गया ना. जिन पे इल्जाम लगाया है वो कहते हैं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और जिन पे इल्जाम नहीं लगाया है वो अगर पिटीशन में क्लैरिटी, वो एनी अदर रिलीफ के अंडर कोर्ट 184(3) के अंडर बड़ी वाइड पावर्स होती हैं, वो अगर उनका जिक्र आ रहा है बीच में कोर्ट खुद जा सकते हैं. ये नहीं है कि बाय नेम अगर पिटीशन प्रेयर में कुछ एग्जैक्ट नहीं लिखा जी. सिर्फ सिर्फ पॉइंट ये है जो इनको शायद ये जान के, जान साहब इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज मरियम इनकी मालकिन है और मरियम पास कोई पैसा नहीं है, इनके पीछे असल मालिक मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और वो उस पर इल्जाम उन पर ये है कि सारा पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया है. ये कह रहे हैं तो सबूत नहीं है ना, सबूत मांग रही है कोर्ट, मांग रही है उसी का तो सबूत नहीं दिया. सबूत मैं आपको बता रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट सारे जमा कराए वो उसी चीज का सबूत है कि जो आपकी तौफीक बैंक का आपने केस का डॉक्यूमेंट जमा कराए, उनकी रजिस्ट्री जमा कराई. नहीं सुन, इस हवाले से भी हम बात करेंगे इमरान जी, क्योंकि कह रहे हैं ना कि वो उनको उनको अलेज नहीं किया, उनको अलेज हम यही कर रहे हैं कि वो बेनिफिशियल ओनर है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो डिपेंडेंट है और ये पैसा मियां नवाज शरीफ साहब. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे एडवोकेट शाहिद हामिद ने जो कुछ दूसरे मारूजात पेश किए. टैक्स एवेजन के हवाले से बात हुई और एडवोकेट शाहिद हामिद ने कैप्टन सफदर के जो टैक्स रिटर्न्स थे उनके हवाले से भी कुछ वजाहतें दी, क्योंकि एक इल्ज़ाम ये था कि कैप्टन सफदर ने बतौर रुकन कौमी असम्बली जो है अपने अपनी जो अहलियाँ हैं मरियम सफदर उनके जो वेल्थ है उसको डिक्लेयर नहीं किया 2011 के उसमें, और इसलिए वो इस हवाले से भी उनके ऊपर आता है कि वो नाअहल भी हो सकते हैं मिस डिक्लेरेशन के इल्ज़ाम में. तो एडवोकेट शाहिद हामिद के क्या इसका कानूनी जवाब पेश किया गया वहाँ पे? सिर्फ जो टैक्स के हवाले से था उस हवाले से तो वेल्थ का भी जी, वेल्थ का भी. और शाहिद हामिद का बुनियादी उसमें ये है कि उन्होंने सबसे पहले जो फार्मूलेशन अपनी दी है वो ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी और शेख रशीद को तो आप अलग कर दें, क्योंकि उनकी दरख्वास्त में मरियम नवाज रिस्पॉन्डेंट नहीं, फरीक नहीं, ना उस पर कोई इल्ज़ाम आयद किया गया है, ना उस हवाले से कोई बात की गई है. इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है उसमें मरियम नवाज को फरीक नहीं बनाया गया, ना उनके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट से फैसला चाहा गया है. उसकी वजह शायद ये भी है कि वो उनके पास कोई अवामी ओहदा नहीं है, लेकिन उनको बिलवास्ता मुंसलिक किया गया है एक जो वजीर आजम के खिलाफ इल्ज़ाम है एक इस हवाले से कि वो उनकी डिपेंडेंट रही हैं, उनकी ज़ेर कवालत रही हैं, और दूसरे मामले पर जो कैप्टन सफदर के उस लिंक से उनको जोड़ा गया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि चूंकि वो कैप्टन सफदर के भी वकील हैं तो वो सिर्फ कैप्टन सफदर का इस हद तक दिफा करेंगे कि जिसमें उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि कैप्टन सफदर ने अपना टैक्स छुपाया या टैक्स नहीं दिया 2011 का. वो अब वहाँ पर जब थोड़ा सा वो फंस गए थे जो वकील हैं शाहिद हामिद, लेकिन अदालत ने जब उनसे पूछा कि आप बताएं कि जो आप पे इल्ज़ाम है तो आप क्या कहते हैं, तो वो पहले कागजात नामजदगी की तरफ चले गए कि कागजात नामजदगी के साथ उनने अपने टैक्स के गोशवारे जमा करवाए थे और उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अपनी अलिया के भी टैक्स के गोशवारे. लेकिन जब उनसे अदालत ने पूछा कि हम कागजात नामजदगी के नहीं, आप पे इल्ज़ाम ये है कि टैक्स के हवाले से टैक्स रिटर्न में आपने वो शो नहीं किया जो मरियम नवाज को उनके वालिद यानी नवाज शरीफ ने तोहफा दिया था करोड़ों रुपए का, तो चूंकि वो आपके आपकी अहलिया हैं तो आपने अपने उसमें टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया. उस पर फिर शाहिद हामिद ने ये कहा है कि ये 2011 की बात है, चूंकि 2011 में ये तोहफा दिया था वज़ीर आज़म ने अपनी बेटी को वो करोड़ों रुपए का तोहफा, तो उस वक्त कैप्टन सफदर के पास नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं था. अच्छा। ये एक नई डेवलपमेंट आई है कि 2011 में कैप्टन सफदर के पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं था, ये उनसे कपल ऑफ इयर्स उन्होंने लफ्ज यूज किया है कि यानी एक दो साल पहले उनको दो मगर वो पहले टैक्स तो देते रहे हैं 1986 से जी, उनका टैक्स कटता रहा है पहले जब फौज में थे और बाद में फिर वो ब्यूरोक्रेसी में आए
और तो उस दौरान तो उनकी तनख्वाह से एट सोर्स टैक्स कटता रहा, वो जो भी सरकारी मुलाजिम होता है या सिविल सर्विस में होता है, उन्होंने ये कहा है कि वो तो ऑटोमेटिकली उनकी तनख्वाह से, मगर टैक्स नंबर 2011 में टैक्स नंबर उन्होंने 2011 रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, एसेट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपको एनटीएन नहीं मिलेगा। ठीक है, टैक्स कट जाना एक बात होती है और टैक्स को आप जाके टैक्स डिपार्टमेंट को एक रिटर्न फाइल करते हैं जिसमें आप अपनी पूरी डिटेल इनकम शो करते हैं, अगर किसी और सोर्स से भी है वो क्लब करके टैक्स का रेट चेंज होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक अलग कॉलम में अपने डिपेंडेंट्स की एसेट्स भी बताने होते हैं, असासे क्या है, और अगर उनकी कोई आमदनी है वो भी बताने होती है। एफबीआर के जो कानून है उनके मुताबिक उन्होंने 2014 में एनटीएन लिया है तो उनकी जो वाइफ है उनका ख्याल था कि ये पुराने टैक्स, लेकिन शायद आमिर ये भी कह रहे हैं साथ कि मरियम नवाज ने अलग से जो अपने टैक्स गोशवारे पेश किए थे या जमा करवाए थे उसमें उन्होंने जिक्र किया कि उनको उनके वालिद ने इतने पैसे दिए 2011-12-13 में जी, जो उन्होंने वो ये डिक्लेयर किया, ये शायद हामिद का, और कल वो मजीद जाहिर बात इसमें तफसील से ये भी कहते हैं कि शायद जो नवाज शरीफ साहब ने अपने नॉमिनेशन जमा कराए उसमें भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है बिल्कुल, और अपने गोशवारों जी उन्होंने अदालत में रिकॉर्ड जमा करवाया। अच्छा, दूसरा जो जेर कफालत होने की जो बात की गई एडवोकेट शायद हामिद की तरफ से, उन्होंने कहा कि वो इस पर डिटेल आर्गूमेंट भी देंगे, मगर आज जेर कफालत होने के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी वो जेर कफालत नहीं रही। ये उन्होंने जो मरियम नवाज का एक तहरीरी बयान अदालत में पढ़ के सुनाया जो 3 पैराग्राफ थे और उसमें बाद में उन्होंने दस्तखत करके अदालत में जमा भी करवा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उनका वकील हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, उस पर उन्होंने ये कहा है, उनकी पूरी उन्होंने अपनी एक जिंदगी का मुख्तसर सा खाका पेश किया है मरियम नवाज ने उस तहरीरी दरख्वास्त बयान में, उसमें उन्होंने कहा कि वो 73 में पैदा हुई, 92 में उनकी शादी हुई और उससे पहले कैप्टन सफदर फौज में थे और उन पर मुश्किल हालात आए, उसमें उन्होंने ये बात की है आगे जाके कि वो टैक्स अदा करते रहे और कभी और भी जेर कफालत नहीं रही, और फिर उसके बाद जो आर्गुमेंट्स हुए दलाइल उसमें शायद हामिद ने ये कहा है कि जो लाहौर में जमीन है जाती उम्र वाली शायद वो कह रहे हैं 384 कनाल, उसमें उन्होंने कहा कि 364 कनाल जो है उनकी दादी के नाम पे यानी नवाज शरीफ साहब की वालिदा के नाम पे पांच घर है जहाँ पे 5 घर हैं फार्म हाउस है, और उस चीज से उन्होंने कहा वो अलग से भी डॉक्यूमेंट्स अदालत को दे रहे थे कि ये जरी आमदन ये रायबंद फार्म के हवाले से बात कर, उन्होंने कहा कि वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन्होंने कितना जरी आमदन उनकी कितनी है, लेकिन अदालत ने कहा कि हम ये डॉक्यूमेंट्स वक्त तक नहीं रखेंगे अपने पास कि जब तक आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चूंकि जाती नोयत के हैं इसलिए रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया सकता, लेकिन अदालत ने वो रखे भी नहीं अपने पास। ठीक है, सदाकत बाद साहब, अब ये ज़ेर कफालत होने का मामला और टैक्स का जो मामला है, अभी तक तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर तकनीकी एतबार से सवाल उठाए जाते रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, चूँकि मरियम नवाज़ ज़ेर कफालत थी और वह लंदन फ्लैट की मालिक थी तो इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब उसके मालिक थे, मगर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के वकील तो दलाइल दे के साइड पर हो गए हैं, अब जो हुसैन नवाज़ के वकील हैं मरियम नवाज़ के वकील हैं और कैप्टन सफदर के, वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज तो कोई ओहदा ही नहीं रखती हैं और कैप्टन सफदर एनटीएन नंबर नहीं रखते थे, तो आप ये कैसे होगा क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड पे जजेस भी कह रहे हैं रिकॉर्ड के पे दोनों तरफ से कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं आया जिसकी बुनियाद पे कोई फैसला दिया जाए। एक करेक्शन करूं जी कि मरियम नवाज हमारी पिटीशन में हमारी रिस्पोंडेंट हैं, कैप्टन सफदर भी 10 नंबर 10 पे रिस्पोंडेंट हैं। ये जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो ये केस है कि जब आप इलेक्शन के लिए, मसलन मैंने भी कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा है, जब मैंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए मैंने अपने असासे, अपनी वाइफ, अगर कोई बच्चे हैं तो उनके असासे और उनकी सारी आमदनी और जो भी शो करना पड़ता है, उन्होंने वहां पे मरियम के जो ये जो एसेट्स है वो शो नहीं वहां पे तो किए नहीं, वो कह रहे हैं कि गोशवारे नहीं जमा हुए जो 2011 में जमा करवाने थे वहां पे नहीं किए, उसमें नॉमिनेशन में तो शायद उनको हमने डिस्क्वालिफिकेशन का जो हमारी प्रे है उसमें वो भी पेंडिंग है, इसी बात कमीशन में पेंडिंग है, इस पिटीशन में भी वो है, वो इसी बात पे है कि उन्होंने मरियम के जो 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 चीजें वो शो नहीं की। एक बात, दूसरी बात जो यहाँ पे सारी बात डिस्कस हो रही है प्रूफ्स की, जो जान साहब ने कहा कि जी इन्होंने जो प्रूफ नहीं दिए, तो वो हम यही बात कर रहे हैं कि इतने बड़े इंटरनेशनल इदारे, ICIJ हो गया, वो जो आपकी हो गई फ्रेंच अखबार हो गया या BBC हो गया, अगर इन्होंने ये रोज आप नए नए डॉक्यूमेंट्स चढ़ा रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को री एनफोर्स करने के लिए, उसमें नहीं आ रहा सामने, अगर आता आ रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट देखे 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 इतने बड़े जज अदालत का कानून है शहादत पे नजर आ रहा है, वो क्यों कह रहे हैं अभी तक ठोस सुनवाई नहीं, उन्होंने केस कंक्लूड तो नहीं किया ना, वो कह क्यों रहे हैं, सुने सुने मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग नून जो कोशिश कर रही है कि जी ये उसको साबित करें कि वो डॉक्यूमेंट वो सही नहीं है, इन्होंने आज एक डॉक्यूमेंट को चैलेंज भी किया कि मरियम साहिबा के वो साइन जाली हैं,
अगर ऐसी बात है तो रोज वो आपको री इन्फोर्स करें, आप उसको चैलेंज कर दें, आप इस इदारे को जब चैलेंज करेंगे तो दूध का पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ना, ना, क्या होगा? जो इदारे बाहर आपकी सारी उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल के उन जो उनकी कन्वर्सेशन हुई है और जो आखिरी मैंने आपको बताया कि सांबा बैंक का जो डॉक्यूमेंट कल उन्होंने शो किया है उसको चैलेंज कर दें तो लग जाएगा कि जी वो सही है या गलत है। जैसे खान साहब ने आज कहा है आप चैलेंज करें आपको तो बिलियंस मिलेंगे, फिर आपको ये जो ऊपर नीचे कर रहे हैं आप इधर उधर पैसे कर रहे हैं इनकी भी जरूरत नहीं रहेगी, आपको इतना पैसा वहां से मिल जाएगा। ये सांबा बैंक का डॉक्यूमेंट है जिसका आपने जिक्र किया है। इस डॉक्यूमेंट में मिनर्वा फाइनेंशियल सर्विस को सांबा बैंक का एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर लिख रहा है कि जो मरियम सफदर हैं वो हमारी एक कस्टमर हैं, हमारी बैंक की कस्टमर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इनका जो एड्रेस है वो जद्दा और किंगडम का है और ये डेट देखेंगे और इसकी डेट जो है वो 3 दिसंबर 2005 की है, जबकि 3 महीने बाद जो है वो फिर मेरे ख्याल में वो जो प्रॉपर्टी वाला जो मामला बाद में आया। तो ये बैंक का एक लेटर है, इसमें कहीं भी इसमें कहीं नहीं लिखा गया सुने कि लंदन के फ्लैट्स के मरियम सफदर मालिक हैं। इसका जब अगली डिटेल पढ़ेंगे ना उसमें वो मरियम साहिबा की उनकी उम्र क्या है, उनकी तारीख पैदाइश क्या है, सब लिखा है कितने बच्चे सुने और इसमें क्या है कि मरियम के कहने पे ये उनकी रिक्वेस्ट पे कोई भी कंपनी अगर उसका ओनर ना हो वो सिर्फ ट्रस्टी हो तो उसकी जो डिटेल्स हैं पर्सनल डिटेल्स हैं वो कंपनी को नहीं चाहिए होती। ये सबूत साबित करता है के साबित करता है। सुने नहीं आप मैं गुमराह मत करें चले चले मैं अब अगर इनको काउंटर को आर्ग्यूमेंट दे दें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ट्रस्टी होता है उसकी जाती इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, सिर्फ ओनर की होती है। तो ये जो वो कंपनी ये तो नहीं मान रहे ना, लेकिन ये भी 2005 दिसंबर की बात, जो जर्मन 2006 की बात है। जो फ्रेंच अखबार एलिगेशन कर अलेज कर रहा है जर्मन अखबार कि ये मरियम बेनिफिशियल ओनर है वो यही कहना चाह रहा है। इसमें लिखा क्यों नहीं है बैंक वाले ने? नहीं, बैंक वाले ने सारा इसमें डिटेल दी है। नहीं है ना, वो ये तो नहीं लिखा कि मरियम ओनर है। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ें। अच्छा, उन्होंने मरियम की सारी जाती इंफॉर्मेशन इसमें डिस्प्ले की है। और ये डॉक्यूमेंट शो करने का मतलब क्या है? वो अखबार ये शो करना चाहता है कि ये डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है कि मरियम साहिबा बेनिफिशियल ओनर है इस कंपनी। अगर बासी साहब यही आपका आर्गुमेंट है तो फिर तो इन लिल्लाह व इन्ने इलैहि राजिऊन, ये यही इनकी एविडेंस है। जर्मन अखबार का आर्गुमेंट है, जर्मन अखबारों में देखा है इसका। देखिए बात ये कि अगर इस तरह की प्रेजम्पशन कि चूंकि उसकी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है इसलिए इनकी सोच है, एक अंदाजा लगा रहे हैं इसलिए वो ओनर नहीं हो सकती। इस तरह की अजम्पशन से सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी, इस तरह की अजम्पशन से सुप्रीम कोर्ट किसी के खिलाफ भी फैसला नहीं करेगी। मंत्री साहब ये सिंगल एविडेंस नहीं है, रीइंफोर्सिंग एविडेंस है। ये आप बात कर रहे हैं ना, मैं बहुत बता रहा हूं तौफीक सुप्रीम कोर्ट जब कहती है कि इसको पकड़े पकड़ेंगे तो फिर वो सही कहती है सुप्रीम कोर्ट ने तौफीक है सिवाय अगले दिन पकड़े बेचने को रजिस्ट्री है जी। अल-तौफीक बैंक का डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्री है इनके बेरर जो बेरर सर्टिफिकेट्स हैं। चलें अल-तौफीक कॉर्पोरेशन के वाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अल-तौफीक पे तो आज वो कुछ हुआ है और कल वो कुछ हुआ है कि हम बयान नहीं कर सकते। जमाल इस्लामी के वकील के साथ अल-तौफीक पे हो गए वो बार बार अल-तौफीक की तरफ जा रहे थे और वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो जफर अली शाह केस में जिसमें परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को जायज करार दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के लिए, तो उसमें इन पे शिफ्ट हो चुका है कि ये इनकी मिल्कियत है लंदन फ्लैट्स नवाज शरीफ खानदान के। लेकिन उस पे जो जजों ने उनके साथ किए वकील को उन्होंने कहा आप पढ़ तो लें या तो हमें वो पढ़ाएं जो किताब में लिखा हुआ है, आप तो खुद से कह रहे हैं किताब में आप दिखाएं। जब उन्होंने किताब में कहा किताब में तो ये चीज नहीं लिखी जो जजमेंट है पीएलडी है जिसमें वो फैसला कोटेड है लिखा हुआ है, अल-तौफीक के हवाले से उसमें परवेज मुशर्रफ हुकूमत के उस वक्त के जो वकील थे उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि ये लंदन फ्लैट्स जो है इसको गिरवी रखा गया था बैंक एक बैंक के जरिए उसके फैसले में पेपर मिल्स केस में वहां पर गिरवी रखा गया था। लेकिन जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है आप ये फैसला पढ़ें। मैं आपको कहता हूं इस पे इतनी उन्होंने बुखारी साहब ने जब दलाल दी थी तब भी कहा था, उन्होंने कहा ये गिरवी नहीं रखा हुआ, वहां एक बंदा गया उनकी तरफ से नुमाइंदा उसने कहा कि आप रख लें इसको अटैच कर लें, लेकिन कोर्ट ने अटैच नहीं किया, उसने दरखास्त की थी अटैच करने की। लेकिन इस दौरान जमाल इस्लामी के वकील ने खुद ही अपने दलाल को डिनाई किया, मैं उसने कहा कि वो पैसे फिर अदा कर दिए गए थे, किसी ने अदा किए थे क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ लोग जेल में थे। इसमें तो एक बात जो प्रूफ होती है कि सिर्फ मैं एक जुमला बोलूं, ये इनकी रिलायंस देखें जब पीएलडी की किताब आप खोलते हैं कोई फैसले पे तो आप उसका जो ऑपरेटिव जो प्रिंसिपल ले डाउन है या जो होल्ड किया हुआ है
एक तरफ फैसले में शुरू में एक वकील के आर्गुमेंट्स होते हैं, दूसरे में दूसरे वकील के, तो वो जो मुशरफ के वकील के आर्गुमेंट्स थे उसको पढ़ना शुरू कर दिया कि देखिए जी कोर्ट ने ये जी, अच्छा जी, मतलब ये फैसला क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी प्लेज हुई कि नहीं हुई, लेकिन उसमें एक एविडेंस ये है, आपको नहीं पता, नहीं मेरी बात सुन लेना, मैं जो पॉइंट कर रहा हूं, हुदैबिया पेपर मिल जो है वो मियां शरीफ खानदान की मिल थी, और उस पे ये उसको प्लेज करने को, उसको कोलैटरल करने का ये केस था। दूसरी बात, एफआईए की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, रहमान मलिक की थी, रहमान मलिक की, और उसके आगे प्रोसिक्यूट ही नहीं हुए, नहीं, नहीं, वो प्रोसिक्यूट हुई या नहीं हुई वो एक एविडेंस है, उसकी कोई नहीं, कोई कानूनी हैसियत, जो हमने कानूनी शहादत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है जब तक वो ट्रायल कोर्ट में, सुन मैं सिर्फ जुमला करूं, आप कह रहे हैं ये बैरिस्टर है, जो वहां वकीलों ने सारा केस डिफेंड किया वो भी बैरिस्टर हैं, वो भी बड़े बड़े वकील हैं, जो वो केस जजों के सामने पेश कर रहे हैं, नहीं बुखारी साहब और भी बड़े वकील थे ना जिन्होंने प्लीड किया था धांधी वाला, वो भी बहुत बड़े बड़े, केस में ही जान ना हो तो वकील क्या करे। चले जान साहब, अभी जान की बात आ रही है, मुझे ये एक्सप्लेन करने दें, देखिए ये हर रोज कहते हैं जी आप क्यों सुन नहीं कर रहे हैं, आप क्यों बीबीसी को सुन नहीं कर रहे हैं, आप क्यों जर्मन, देखिए एक टीवी या एक अखबार को इल्जाम लगाता है, सू करना ना करना ये अक्यूज्ड का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि हम सू नहीं कर रहे हैं और हम गुनहगार हो गए, खुदा ना खास्ता कल वक्त टीवी जाना शख्स इल्जाम लगाता है कि आपने कत्ल किए और मैं उसको सू नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कत्ल किए, यू हैव टू प्रूव द केस दैट आई हैव कमिटेड मर्डर। अब यहां पे जर्मन और बीबीसी का भी ये हवाला दे रहे हैं, चूंकि वो बाहर के अखबारात हैं, चूंकि उधर आए हैं, आप उनको सू करें, अदरवाइज ये सही ये सच है, तो आपने इसको साबित करना है कि वो सच कानूनी सच है, ना कि थर्ड पार्टी को मटेरियल है जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर ये आपके सबूत है तो फिर वो हकी आपके जो, को जो है कोई मेरे ख्याल में अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, लेकिन आप भी तो मनी ट्रेल अपना नहीं दे पा रहे, आप क्या सबूत दे रहे हैं अपने दिफा में, क्या सबूत, तो शक वो यही हो गया क्या पता मुंह दिखाई ना हो खतरी, अच्छा देखिए मनी ट्रेल हमने पेश की है, आपने मुंह दिखाई की बात, तो वो शादियां अगर वो वाकई कहीं बैरूनी मुल्क जिस तरह कह रहे हैं हुसैन नवाज की, अगर वो कहीं ये भी पता करना चाहिए कि वो कौन से खानदान में शादी की उन्होंने, अच्छा ये ना हो कि वो कतर शतर में शादी की हो, ये मुंह दिखाई का तोहफा ही ना हो, अच्छा जान अखबार में छपने वाले एलिगेशन, एक कतरी खानदान की मियां साहब के साहिबान के खानदान के साथ कारोबारी लिंक्स की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, मतलब आप कह रहे हैं एक अखबारी खबर एक कतरी शहजादे के खत में कोई कंपैरिजन नहीं, शहजादे की फाइनेंशियल हिस्ट्री उनका बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अगर नहीं है आप साबित करें कि वो नहीं है, अच्छा एक बात मती वो खत बड़ा मजेदार है, वो कहते मुझे नहीं पता, मेरे बाबा हजूर जो थे उनसे मैंने सुना था कि इनके दादा हजूर को उन्होंने कुछ पैसे दिए थे और वो कोई फिर इस तरह बात हुई, लेकिन वो खुद है नहीं शायद नहीं, वो तो वैसी बात है फिर वापस नहीं रहा, कोई अच्छा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई नहीं दिखाई, अच्छा खाली खाता जान साहब ये बताए ना, आज सुप्रीम कोर्ट में जब बात हुई कि वजीर आजम साहब तो जी वो मालिक ही नहीं है, ठीक है, और मरियम नवाज जो है वो कोई अहदेदार नहीं है, तो वो अदालत अच्छा। जाए तो किधर जाए, मतलब वो मेरे होंगे या कार्रवाई क्या करें फिर के, और हुसैन नवाज भी तो अदालत से बोलो अगर जान साहब माइंड ना करें, एक जुमला बोलो, मखदूम साहब ने कहा कि ये जवाब देंगे शायद आमिर साहब, आज शायद आमिर साहब ने कहा इसका जवाब देंगे सलमान राजा साहब, अब इसके बाद पूरी एक लाइन बनेगी और गुल दोबारा फिर के मेहरा मियां साहब पे बात आएगी, जी जी जान साहब अभी मैं बोल सकता हूं, जी जी बोल, अगर ये नहीं बोलेंगे दरमियान नहीं आप नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, अगर ये करें तो मैं खामोश हो जाऊं, आप नहीं, डू यू वांट मी टू स्पीक, जी प्लीज आपकी इजाजत है, जी जी प्लीज, ये नहीं बोलेंगे ना दरमियान, हां नहीं नहीं आप बोलें, आप बोलें, नहीं अगर वो बोलेंगे फिर मुझे बोलेंगे, अभी टाइम खत्म हो रहा है इससे भी जाएंगे, पहली बात ये कि इन्होंने साबित करना है कि कतरी फैमिली के साथ मियां साहिबान का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, एक बात, दूसरी बात ये इन्होंने साबित करना है कि पाकिस्तान से पैसे गए, मनीष शेल मियां शरीफ खानदान ने दी है कि कहां से जो है वो गल्फ स्टील लगाया गया, कहां से लीज हुआ, किस बैंक से जो है बारोइंग हुई, ये सारे कोर्ट का हिस्सा है, अगर आपके पास कोई काउंटर इसकी है कि नहीं ये सच नहीं है तो आप प्रोड्यूस करें जो अभी तक आप नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये मनी ट्रेल है, आप कहते हैं नहीं आपने पाकिस्तान से भेजा है आप वो दिखाएं, भाई आप लाएं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग की, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि हम आप इल्जाम लगा रहे हैं आप गुनहगार
गुनागारों की तस्लीम करें, अपनी अपनी गिल्त तस्लीम करें कि वाकई आपने ये तस्लीम की है ना। देखिए हमने फिर आप वजाहत क्यों नहीं दे पा रहे, हमने कहा कि ये गल्फ मिल्क का पैसा है, कहां से लीजा है, कहां से बॉरोइंग हुई, कहां से सोर्स हुआ। आप कह रहे हैं नहीं, इल गॉटन करप्शन की मनी है, वो आपने कोई अभी तक कोई सबूत किया? एक क्वाश लेटर है जो डार साहब का है, जो खुद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है, जो इतजाज साहब कह रहे हैं कि उसके कोई कानूनी एविडेंस नहीं, वो मनी लॉन्ड्रिंग का आपका सो कॉल्ड सबूत है। इसके अलावा आपके पास क्या है कि अदालत के बाहर आके अदालत में आप सुबह शाम 9 महीने से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब आपकी पिटिशन की बार आ जाती है मरियम नवाज साहिबा की के बारे में आपने कोई रिलीफ ही नहीं मांगा? ये देखें, ये तो खैर टेक्निकल क्लैरिफाई कर दें कि मरियम नवाज जो है ओहदा नहीं रखती और नवाज शरीफ साहब मिल्कियत नहीं रखते, हुसैन नवाज जो हैं वो मिल्कियत रखते हैं लेकिन ओहदा नहीं रखते। तो इसमें अदालत किसी नतीजे पे पहुंचती नजर आ रही है आपको? तकनीकी तौर पर जो आप जिस तरह बता रहे हैं मामला यही है, यानी कानूनी नुकात पे और तकनीकी पॉइंट्स पे वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं उनके वकील। जाहिर बात है शरीफ फैमिली के वकील, नवाज शरीफ के वकील और उनके बड़े वकील, बड़े वकील उनने किए हैं और मुल्क के बड़े आला दिमाग है कानून के हवाले से। हमने तो इतना सा, लेकिन जो ऊपर पांच जज बैठे हैं वो भी कोई वो भी मामूली नहीं है, वो भी अपने रिमार्क से ऑब्जर्वेशन के जरिए वो दे रहे हैं। तो बाहर तो यही लग रहा है कि अखलाकी फतह हो सकती है इमरान खान साहब की, लेकिन जो कानूनी पोजीशन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कोर्ट में, ठीक है उनके पास जवाब नहीं आए बहुत सी चीजों के, मनी ट्रेल नहीं आ रही और बहुत सी या जिन चीजों पे सीरियसली क्वेश्चंस हैं। आज भी जिससे इजाज अफजल ने पूछा कि जब हमने पूछा था मखदूम अली खान साहब से तो बहुत से सवालों के जवाब हमारे पास नहीं आए थे, उन्होंने नहीं जवाब दिए थे। आज आपने कह रहे हैं हमें कि मैं मखदूम अली खान जवाब कि मखदूम अली खान के 90% दलाइल में अडॉप्ट करता हूं उसके दलाइल, तो इसका मतलब है कि आप भी उनके जवाब नहीं देंगे हमें। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं मरियम नवाज की हद तक दिफा ये करूंगा कि जो टैक्स गोशवारे हैं उसकी हद तक और जो उनकी जरिए आमदनी है उस हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि मरियम नवाज के बारे में कोई रिलीफ नहीं मांगा गया तहरीक इंसाफ की दरखास्त में, तो मैं उस पर दिफा नहीं करूंगा। मैं कैप्टन सफदर का दिफा करूंगा जो उनकी नाहली के लिए मांगा गया है मरियम सफदर को। उनके असल दलाइल मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा के होंगे जो कि हुसैन नवाज की जायदाद की मिल्कियत जो तस्लीम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो उस हवाले से कहां से जायदाद आई जी। आप जो ये वकीलों की तारीफ कर रहे हैं ना, मैंने मखदूम साहब के सारे दलाइल सुने, उन्होंने सवाए टेक्निकलिटीज के, सवाए इस्तेस्ना के मियां साहब की किसी ट्रांजैक्शन की कोई बात नहीं। तकनीकी बुनियादों पे कहता है उन्होंने कोई जो फाइनेंशियल मनी ट्रेल क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जी यहां से पैसा यहां गया, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा। आज एक फेरिस दी है जो दस्तावेजात जमा कराएंगे, जो मुआवजे हुए, जो सेल डीड्स हुई, उन्होंने मरियम साहब के वकील ने दिए, मियां साहब के वकील ने ये कहा है जी इस्तेस्ना दे, सब ने इकट्ठे दिए दस्तावेजात ने जो मैं, और उन्होंने सारा कहा कि ये जवाब देंगे अपना शाहिद आमिर साहब, और शाहिद आमिर साहब ने कहा कि ये जवाब देंगे सलमान राजा साहब। ठीक है, अभी तक कोई मनी ट्रेल किसी ने कोई चले आज एक मनी ट्रेल तो अदालत में हम उस पर छोड़ेंगे। जान चकई साहब, बरसम मसरूर साहब, सदाकत अब्बासी और एवज मुराद साहब, सलमान अकरम राजा ने कल दलाइल देने हैं और हुसैन नवाज, बल्कि कल शाहिद हामिद दलाइल दे रहे हैं अपने, और उन्होंने भी 2 दिन तकरीबन मांगे हैं इन दलाइल के बाद। फिर हुसैन नवाज साहब के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल देंगे और लगता यह है कि ये मामला इसी माह के आखिर तक जो है किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा। अपना अपना गिरबान से इतना ही, मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।